Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the summary of the chapter From Gathering to Growing Food, Grade 6, CBSE. इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. जिस तरीके से जो धरती है यानी जो हमारी अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ा, उससे क्या हुआ, जो आइस शीट थी वो जो है धीरे धीरे पिघलने लग गई. क्लाइमेट जो था अब वो गर्म होने लग गया और जिसकी वजह से जो घास है या जो और पेड़ पौधे हैं उनके लिए एक आइडियल कंडीशन होगी कि वो आसानी से अब उगने लग गए. जब जो इंसान है उसे इस चीज का एहसास हुआ तो उसे समझ में आया कि क्यों ना एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को शुरू किया जाए. और जो एनिमल्स हैं अब वो घास खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे. फिर धीमे धीमे उन लोगों ने इस तरह से डेवलप किया अपने आप को कि अब वो जो है एक ही जगह रुकने लग गए, सेटल होने लग गए. तो जैसे कहना चाहिए वो नोमैडिक लाइफ से हटके अब उनको खेती बाड़ी समझ में आने लगी थी, तो वो फार्मर में कन्वर्ट होने लग गए. या जो हर्डर्स होते हैं यानी कि जो आपका कैटल पालते हैं या जो आपके गाय भैंसे पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, अब वो लोग हैं इस तरीके के अपने लोग ऑक्यूपेशन में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था. अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज ने डेवलप होना शुरू किया, जो इंसान है यानी जो एंशियंट टाइम में लोग थे अब उन्होंने एक एरिया में काफी लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया. पहले क्या होता था कि वो नोमैडिक थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी शिफ्ट कर जाते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया तो उन्हें समझ में आने लग गया कि अब वो एक जगह काफी लंबे समय तक रुक सकते हैं. धीरे धीरे उन्होंने घरों का निर्माण शुरू किया. ये भी समझ में आने लग गया था कि जैसा मौसम होता है ऐसे गर्म बहुत ज्यादा है, कहीं किसी इलाके में बारिश बहुत होती है, तेज हवाएं चलती हैं या बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है, तो उन लोगों को समझ में आने लग गया था कि घर अब किस तरीके के बनाने हैं ताकि वो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस को आसानी से झेल सके. शुरुआत में जब लोग सेटल होना शुरू कर रहे थे तो वो जो है ग्रुप्स में सेटल हो रहे थे, यानी कि दो या तीन पीढ़ियां एक फैमिली की जो है वो एक ही रहती थी. और इस तरीके से जैसे कहना चाहिए ना वो एक ट्राइब की फॉर्म में वो फैमिलीज कन्वर्ट होने लग गई. जैसे आप कुछ एक फैमिलीज के लोग हैं और वो एक ही जगह रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे 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 उनका वहीं पे कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो एक फैमिली का एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना जनरेशन बाई जनरेशन वो वहीं रह रहे हैं, तो वो एक उन्होंने ट्राइब की फॉर्म ले ली. हर ट्राइब का अपना एक ट्रेडिशन होता था, लैंग्वेज होती थी, उनका अपना म्यूजिक है और जो ट्राइबल में जो लोग होते थे यानी हर इंडिविजुअल मेंबर जो है उसका एक स्पेसिफिक रोल होता था. तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पर ध्यान से उस पर अध्ययन किया है ताकि वो जो हैं और ज्यादा से ज्यादा ये जो अर्ली मैन हैं हमारे इनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके. तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल ASA Education. बाय.